हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है सभ्य कुमार और मैं आपका मेरे यूट्यूब चैनल सभ्य मेंटर में स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे कन्वेयर बेल्ट के स्प्लाइसिंग के बारे में। फ्रेंड्स, इंडस्ट्री में कन्वेयर बेल्ट का उपयोग बल्क मटेरियल को कन्वेइंग करने के लिए किया जाता है। इसको उपयोग करने के लिए इसके दोनों सिरों को जोड़कर एंडलेस बना दिया जाता है। कन्वेयर बेल्ट को जोड़ने के लिए बेल्ट का स्प्लाइसिंग किया जाता है और स्प्लाइसिंग करने के लिए बेल्ट में एक विशेष प्रकार का मार्किंग किया जाता है। आज के इस वीडियो में मैं आपको स्प्लाइसिंग करने के लिए जो मार्किंग करते हैं उसके बारे में बताऊंगा और वीडियो में अंत तक बने रहें ताकि कोई जानकारी मिस ना हो। चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड, सबसे पहले मैं आपको डायरेक्टली से साइट में ले जाके दिखाता हूँ कि स्प्लाइसिंग का काम कैसे किया जाता है। इसके बाद मैं आपको स्प्लाइसिंग का मार्किंग करने के बारे में बताऊंगा। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कन्वेयर बेल्ट का स्प्लाइसिंग का काम चल रहा है। इसके लिए सबसे पहले मार्किंग किया जाता है, जैसे यहाँ पे आप यहाँ पर देख सकते हैं, उसी मार्किंग के हिसाब से हम कन्वेयर बेल्ट का स्प्लाइसिंग करते हैं। कन्वेयर बेल्ट यदि 4 प्लाई का है तो उसमें 3 प्लाई को स्प्लाइसिंग करके निकालते हैं। स्प्लाइसिंग करने के लिए कन्वेयर बेल्ट का एक हिस्सा को हम नाइफ की मदद से अलग करते हैं, उसके बाद उसको स्ट्रिपिंग क्लैंप की मदद से पकड़ के उसमें हम जो चुक का जो हुक है उसको फंसा के उसको पुलिंग करते हैं। और उसी के साथ जब पुलिंग होते रहता है उसी समय हम नाइफ को भी धीरे धीरे चलाते रहते हैं, जिससे हमारा कन्वेयर बेल्ट का एक प्लाई दूसरे प्लाई से अलग हो जाता है, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। जब कन्वेयर बेल्ट के दोनों हिस्सों का जो प्लाई अलग हो जाता है तो उसे हम कोल्ड बॉन्डिंग सॉल्यूशन की मदद से उसको हम चिपका देते हैं और हमारा कन्वेयर बेल्ट का ज्वाइंट पूरा हो जाता है। आइए अब हम देखते हैं कि स्प्लाइसिंग के लिए मार्किंग कैसे किया जाता है। इस चित्र में 4 प्लाई वाले कन्वेयर बेल्ट के लिए स्प्लाइसिंग का मार्किंग दिखाया गया है। इसमें एल एस बेल्ट स्टेप लेंथ है और एल ए बी एस लेंथ है और डब्ल्यू हमारे कन्वेयर बेल्ट का विड्थ है। बी एस लेंथ को प्रायः अपना जो कन्वेयर बेल्ट है उसका 1/3 लिया जाता है, जो कि 18.4 एंगल का टेंजेंट लेंथ के बराबर होता है। इस प्रकार बी एस लेंथ का वैल्यू हुआ 1/3 ऑफ बेल्ट विड्थ। और ओवरऑल स्प्लाइस लेंथ को निकालने के लिए फार्मूला है L इज इक्वल टू एक्स प्लस एस इंटू एन माइनस वन, जहाँ पर N हमारे कन्वेयर बेल्ट का नंबर अप्लाई है और S हमारा स्टेप लेंथ है। आइए अब हम 1200 mm विड्थ वाले कन्वेयर बेल्ट का बी एस लेंथ निकालते हैं। इसके लिए सबसे पहले राइट एंगल की मदद से एक स्ट्रेट लाइन मार्क कर देते हैं, उसके बाद 18.4 डिग्री निकाल कर एक लाइन और मार्क कर देते हैं और ये हमारा कन्वेयर बेल्ट का विड्थ हो गया 1200 mm। और ये जो दूसरा जो जो लाइन आया इसे हम बोलेंगे यहाँ पर बी एस लेंथ। तो बी एस लेंथ निकालने के लिए फार्मूला है टेन थीटा इज इक्वल टू बी एस लेंथ डिवाइड बाई 1200। तो बी एस लेंथ हो जाएगा 10 थीटा इंटू 1200। जब हम थीटा का वैल्यू पुट करेंगे तो हो जाएगा 10 18.4 इंटू 1200। तो अब बी एस लेंथ क्या हो जाएगा, जब हम कैलकुलेटर की मदद से 18.4 का टेंजेंट निकालेंगे तो वैल्यू आता है 0.332। उसमें बेल्ट विड्थ को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो बी एस लेंथ का वैल्यू निकल जाएगा। तो बी एस लेंथ का वैल्यू आया 398.4, तो इसे हम 400 के आसपास मान सकते हैं। तो बी एस लेंथ का वैल्यू हुआ 400 mm। अब इस मार्किंग के आधार पर जब ये वाला जो हमारा वैल्यू आ गया उसके आधार पर हम आगे का जो स्टेप का लेंथ निकालते हैं। साइट में इस प्रकार का एंगल निकालना जरा मुश्किल होता है, इसलिए बेल्ट ज्वाइंटर लोग बी एस लेंथ निकालने के लिए बेल्ट विड्थ को 3 से डिवाइड कर देते हैं। जैसे यहाँ पर हमने बेल्ट विड्थ लिया है 1200 mm, तो बी एस लेंथ निकालने के लिए इसे 3 से डिवाइड करेंगे तो वैल्यू आएगा 400, जो कि हमने इस कैलकुलेशन के थ्रू निकाला है।
आइए अब हम टोटल स्प्लाइस लेंथ निकालते हैं। इसके लिए हमें स्टेप लेंथ चाहिए होगा, जो कि हमें DIN स्टैंडर्ड 22102 के स्टेबल से मिल जाएगा। मान लो हमारा जो कन्वेयर बेल्ट का रेटिंग है 800 डिवाइड बाई 4, इसमें 4 जो है नंबर अप्लाई है, तो उसके लिए स्टेप लेंथ यहाँ पे है स्टेबल के हिसाब से 250, क्योंकि हमें नंबर अप्लाई इसमें 4 है, तो हमें स्टेप जो है 3 निकालना है, तो उसके लिए जो स्प्लाइस लेंथ होगा 750 mm। तो अब हम इस बेसिस पे हम टोटल स्प्लाइस लेंथ निकाल सकते हैं। तो हमने जो कैलकुलेशन से बीएस लेंथ निकाला था 400 mm, और जो हमारा जो फार्मूला था टोटल स्प्लाइस लेंथ इज इक्वल टू बीएस लेंथ प्लस स्प्लाइस लेंथ मल्टीप्लाइड बाई एन माइनस वन, यहाँ पे एन जो है नंबर अप्लाई है, तो यहाँ पे जब हम इस वैल्यू को पुट करेंगे तो आएगा बी एस लेंथ का वैल्यू है 400 और यहाँ स्प्लाइस लेंथ जो है 250 mm निकला, नंबर अप्लाई 4 है, उसमें एक माइनस कर देना है। जब हम इस सब को कैलकुलेट करेंगे तो हमारा वैल्यू निकल के आया 1150 mm, जो कि टोटल स्प्लाइस लेंथ हुआ। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको स्प्लाइस लेंथ निकालना आ गया होगा। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो यदि आपको 1% भी काम कर लेगी तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और फ्रेंड्स तथा फैमिली मेम्बर्स को शेयर करें, ताकि अधिक से अधिक लोग इसकी जानकारी ले सके। और यदि आप चैनल में नए हैं तो हमारे बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की जानकारी मिलते रहे।